क्वेश्चन जो हमने कल कराया था उसके आगे करेंगे। कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ये तो हम लोगों ने कल कर लिया, ठीक है मैं रुका ही हूं, ये कर लिया था। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने लास्ट किया था। एक बार इसको है ना मैं स्क्रीन पे भी बता दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा और ऐसे ही बता दे। देखिए क्वेश्चन है आपका 11.2 का 7 क्वेश्चन है, अगर एनसीईआरटी हो तो देख ले, निकालो बेटा। आप यहां देख लो भावना, गुड़िया के पास बुक है। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, अमेंग तुम यहां देख रहे, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस। जो टाइल्स है वो कितना है, एक बिल्डिंग की फ्लोर जो है वो उसमें 3000 टाइल लगी हुई है, ओके। और जो टाइल है उसका जो साइज और शेप जो है वो सिर्फ एक रोम्बस की तरह है, टाइल्स का जो शेप है वो रोम्बस की तरह है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। और हर टाइल्स का जो कि रोम्बस के शेप में है उसका डायगोनल बेटा 45 और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज। कहने का मतलब है आपको पता है कि 3000 टाइल से पूरा का पूरा फ्लोर बना है। आप लोग को गप करने के लिए नहीं बैठा है, उठा के बाहर कर देंगे, कुछ ट्राई करिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद एक टाइल का जो शेप है वो रोम्बस की तरह है, जैसे कि आपको मैं पिक्चर में दिख रहा हूं। रोम्बस के एरिया को निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, मतलब डायगोनल वन इंटू डायगोनल टू। तो हम क्या करेंगे, एक डायगोनल हमारा 45 दूसरा 30 है, तो हाफ इंटू 45 इंटू 30 सेंटीमीटर कर देंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चैलेंज हमारे पास है, चैलेंज ये है कि हमको पहले क्वेश्चन में ये बताया गया था कि एक मीटर स्क्वायर टाइल को अगर आपको घिसाई करनी है उसके ना, तो उसके लिए चार्ज थे 4 रुपीज। और हमारा जो एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे तभी बात बनेगी। तो हमने क्या किया कि एरिया ऑफ 3000 टाइल्स पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ वन टाइल इंटू 3000, तो एरिया ऑफ वन टाइल आया हमारा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा उसी को 3000 से गुना कर देंगे तो 3000 टाइल का निकल जाएगा। तो हमारा जो पूरा का पूरा 3000 टाइल का जो केवल एरिया आया और सेंटीमीटर में आया वो आया 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो तो पूरा का पूरा 3000 टाइल का एरिया आ गया, ठीक है। ये हो गया, अगर आपसे मीटर में नहीं पूछा जाता तो काम खत्म हो जाता, लेकिन हमसे मीटर में पूछा गया है तो हम कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। जो ये हमारा सेंटीमीटर में था इसको मीटर में बदल देंगे, तो जितना भी था ना आपको पता है मीटर बड़ा या सेंटीमीटर, मीटर बड़ा है तो छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड होता है। तो आपको अगर, और एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100, तो पूरे के पूरे को 100 से आप डिवाइड कर दो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। 100 से हमने डिवाइड कर दिया, जैसे ही डिवाइड करेंगे पूरा आंसर आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें पता है कि एक मीटर को पॉलिश करने को, एक मीटर टाइल के एरिया को पॉलिश करने के लिए 4 रुपए लग रहे थे। तो अब हमें क्या मिल गया, 202.5 मीटर मिल चुका है एरिया। इतने एरिया को कितना लगेगा, तो 4 × 202.5, ठीक है। जितना भी आया है हमारा मीटर में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 810 रुपीज। तो मतलब कि जो एक टाइल रोम्बस वाली टाइल थी, वैसे 3000 टाइल अगर किसी फ्लोर पे लगे हुए हैं और उसको पूरे के पूरे को पॉलिश करना हो तो
टोटल जो खर्चा आएगा रुपए का वो 810 रुपीस आएगा। समझ में आप लोगों को, ये नोट्स में मैं भेज दूंगा। देखिए अब एक अगला क्वेश्चन 11.2 का 9 क्वेश्चन पिक्चर बनी होगी, निकालना बेटा 9 क्वेश्चन है। हाँ वो साइड वाला, हाँ ये सब क्वेश्चन छोटा मोटा मत समझिएगा, ठीक है ना। यही एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोग अच्छे से कर, बाद बाकी तो किसी चैप्टर में कोई मेहनत ही नहीं, क्योंकि इसमें पता है इसमें हम कैलकुलेशन ही लगाते हैं, इसमें अपना एजम्पशन लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। देखिएगा द टॉप सरफेस ऑफ द रेज प्लेटफॉर्म, आपको दिख रहा है जो टॉप सरफेस है इस रेज प्लेटफॉर्म का इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन किसको कहते हैं जिसमें कितने साइड्स होते हैं, सोनी? बिल्कुल 8, बिल्कुल सही मैं। आपको पता है हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, ये सब सुना होगा आपने। ऑक्टागन मतलब जिसके 8 साइड्स होते हैं, ऐसे पॉलीगन होते हैं। अच्छा पॉलीगन पता है आपको, पॉलीगन किसको कहते हैं? एनीबॉडी? आज पांचवी क्लास को पढ़ाया, थोड़ा आप लोग को बेइज्जत भी तो करना जरूरी है ना। ये कोई मतलब नहीं हुआ सर का, आई वॉन्ट टू एक्सपर्ट एंसर, परफेक्ट। क्लोज पिक्चर को पॉलीगन कहते हैं, ट्राइंगल भी पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज जिसमें चार साइड्स होते हैं, जितने भी चार तरफ से बंद होंगे ना चार साइड्स वाले सारे क्वाड्रिलेटरल कहे जाएंगे, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ठीक है, रेक्टेंगल, वो सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल हो गए। एक सर्कल भी क्लोज पिक्चर है, वो भी आपका पॉलीगन है। तो जो भी पिक्चर क्लोज हो, चारों तरफ से बंद होना चाहिए किसी भी तरह से, उसको पॉलीगन कहेंगे। तो आपको पता है ऑक्टागन भी पॉलीगन है। अब देखिए तो कहा जा रहा है कि ये रेगुलर ऑक्टागन पिक्चर में दिख रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस। इस ऑक्टागनल मतलब इस ऑक्टागन जो पूरा का पूरा पिक्चर है, इसका पूरा का पूरा सरफेस का एरिया निकालना है। चलिए दिमाग लगाते हैं, एरिया ऑफ ऑक्टागनल सरफेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी, ए बी सी एच, ए बी सी और एच। तो भैया आंख खोलिए, दिखेगा नहीं दिखा? अच्छा सॉरी, तो हम एक काम करते हैं, आप लोग को स्क्रीन पे दिखा देते हैं, ये ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर देखिए हम एच और सी खुद से पुट कर रहे हैं, दिखा आपको? दिखा ना? ओके, ऐसा आप लोग बना सकते हैं नोटबुक में। तो हमने पहले क्या किया, एरिया ऑफ ऑक्टागन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी एच प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल एच सी डी जी, एच सी डी जी और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखो बेटा मैं बोर्ड पे एक चीज बताता हूं आपको, ध्यान दे, एक सेकंड। एक मिनट में खोल रहा हूं। देखिएगा अब बोर्ड पे ध्यान देना, हम एक ऑक्टागन बना देते हैं, पहले बड़ाई बनाते हैं,
ठीक है, ये दिख रहा है, इसमें नंबर कोड कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, दिख रहा हूँ अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि इसमें इस पिक्चर में दो ट्रेपेजियम और एक रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम फर्स्ट, ट्रेपेजियम सेकंड, और ये आपका रेक्टेंगल। तो इस पूरे के पूरे ऑक्टागन के एरिया को निकालने के लिए इस ट्रेपेजियम का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया और फिर इस ट्रेपेजियम के एरिया को अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो हमको इस ऑक्टागन का एरिया मिल जाएगा। तो इस ऑक्टागन के एरिया को निकालने के लिए तीन चीजों का एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब कि एरिया ऑफ अ ऑक्टागनल सरफेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी एच, ए बी सी एच प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सॉरी या रेक्टेंगल दे सकते हैं, रेक्टेंगल एच सी बी जी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जी बी ई एफ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहां पर आप एक चीज देखो, पिक्चर में दी होगी कि सी से डी की दूरी 5 सेंटीमीटर थी, ठीक है, और बेटा एच से सी की दूरी जो है वो बेटा 11 सेंटीमीटर। अच्छा, हाँ सॉरी बेटा, मीटर, ठीक है, ये तो मीटर लिख रहा है, मीटर। और ये जो यहाँ पर एक ये हाइट दे रखी है एल्टीट्यूड, वो कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर है, ठीक है, हो गया काम हमारा। ये इसकी ट्रेपेजियम है, बिल्कुल। अब देखो बेटा आगे हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते, बिल्कुल, 2 into एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी एच प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। देखो बेटा जो हमारा ट्रेपेजियम जितना ऊपर है ना उतना ही नीचे, मतलब अगर वो 4 मीटर है बेटा तो मतलब ये भी हमारा 4 मीटर ही है। तो हम क्या करेंगे, दो बार अलग अलग ना निकाल के सीधे कर देंगे, 2 into एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी एच, काम खत्म। इसको निकाल लेंगे इसका ऑटोमेटिक उसी में आ जाएगा, प्लस एरिया रेक्टेंगल एच सी डी, काम हो जाएगा। अब चैलेंज है कि पहले उसका एरिया निकाल लेते हैं और फिर इसका एरिया निकाल लेते हैं। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ओके, मैं तुम इस पे देखो स्क्रीन। यस सर, देखिएगा तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी एच बेटा, जिसमें बेस पता है, हाइट पता है, और क्या कहते हैं, एक साइड पता है। देखिए एक से तो इसमें किस तरह होगा, ए बी क्या हो रहा है,
कौन लकी? हाँ तो दे दो, देखिएगा ए बी और एच सी। अच्छा मैंने पिक्चर मिटा दी, उसमें तो होगी ना ए बी और एच सी। ट्रेपेजियम हम इसके अंदर से पहले बाहर निकाल लेंगे, ट्रेपेजियम को ए बी एच सी वाले ट्रेपेजियम के एक अलग पिक्चर बना लेंगे निकाल करके। ठीक है बेटा, मैं यहां दिखा देता हूँ, एक सेकंड, स्क्रीन पे दिख रहा हो, दिख रहा है अब? लाटो यहाँ देखो बेटा, छोड़ दो। हाँ दीदी ये देखो बेटा, हमने क्या किया कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी एच के लिए ए बी सी एच ये ट्रेपेजियम बाहर निकाल लिया, दिख रहा है बेटा? उसके बाद क्या किया, इन ट्रेपेजियम ए बी सी एच, ए बी एंड एच सी आर पैरेलल साइड, ए बी और एच सी पैरेलल है, हमें पता है ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होते हैं। ओके, सिंस साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन आर इक्वल, तो इसका मतलब है साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन भी इक्वल होगा, तो ए बी इक्वल टू बी सी, जो हमारा ए बी है वो बी सी के बराबर होगा। बी सी कहां गया, बी सी के बराबर होगा। ठीक है, ये देखिए जो बेटा ए बी है 5 सेंटीमीटर, तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर होगी और हमारी सी डी भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब यहां देखेंगे तो डी वी ई भी उतनी ही बराबर, ई एफ भी उतना ही और सी जी एफ जी या जी एफ भी उतना ही बराबर होगा। बस समझ में आ रही है, एक रेक्टेगुलर ऑक्टागन में क्या होगा कि जो एक साइड जितनी है उसके साथ साथ ये सारी उसी तरह के बराबर होगी। ओके, सो ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर, तो ए बी 5 मीटर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, और एच सी हमारा कितना 11 मीटर, ये जो हमारा एच सी है ये है 11 मीटर, तो बेटा निश्चित रूप से, और हाइट है 4 मीटर ये भी पता है। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, पैरेलल साइड कितनी है ए बी इंटू एच सी, ट्रेपेजियम का निकालना है बेटा, पहले अभी ट्रेपेजियम का कर रहे हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो हाफ इंटू पैरेलल साइड्स कितनी थी 5 थी और उस कितनी थी ऐसे 11, तो 5 प्लस इंटू 4 कर दिया हमने, एच सी बेटा हमारा 11 मीटर था ना, और जो पैरेलल साइड थी वो 5 मीटर थी। ठीक है, और ये हाइट हमारी 4 है, पूरा सॉल्व किया तो 32 मीटर स्क्वायर जो है हमारा एरिया निकल के आ गया ट्रेपेजियम का। एक मिनट का, अब रेक्टेंगल का सिंपल है, हमको रेक्टेंगल का 5 मीटर एक साइड दिया हुआ है और दूसरा 11 सेंटीमीटर दिया, हाँ 5 मीटर और ये 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें गलत लिख दिया है शायद, मीटर ही होगा यहाँ, अभी रुक जाओ बेटा, पहले सॉल्व कर लेंगे उसके बाद देखेंगे। तो हाइट लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, कोई इतनी हबड़ी नहीं है बेटे, घर से ऑनलाइन क्लास भी ले सकती थी, क्या हो गया तबीयत ठीक नहीं है। तो देखिए जब हमने लेंथ इनटू ब्रेथ किया है तो 55 सेंटीमीटर, तो ट्रेपेजियम का एरिया आया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर सॉरी, और हमारा जो रेक्टेंगल का एरिया था वो 55 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे देखिए, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाँ तो बेटा 2 इंटू 32 कर दिया 64 और 55 तो था ही, प्लस कर दिया 119 मीटर स्क्वायर। जितने भी छोटे क्लास के बच्चे हैं बीच में बैठ जाइएगा, ठीक है, और नहीं तो ऊपर ही बैठ जाइएगा मास्टर का सर छोड़ के, और ये कुर्सी वहां मत लगाओ बेटा, बेटा गेट सटा दो हर्ष, मामा जी आ जाएंगे। तो हमें नहीं लगता कि इस ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चन में आपको ऑक्टागनल वाले में कोई प्रॉब्लम रहा होगा, क्लियर है जी। अब हम लोग बात करेंगे एक अलग एग्जांपल, ये रुकिए ना, बताइयो बैठ जाइयो चुप, अरे ऋतिक इसको कुछ सिखाया करे यार, कुरकुरे खाएगा। देखिए देयर इज अ रेगुलर हेक्सागन, अब हेक्सागन में लाटो कितनी साइड्स होती है, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6 और ऑक्टागन में 8, ठीक है याद रखिएगा।
नहीं तो पांचवी क्लास में बैठाएंगे आप लोगों को। देर इज ए रेगुलर हेक्सागन एम एंड ओ पी क्यू आर, बुक में क्वेश्चन निकालिएगा, एग्जाम्पल्स में होगा ये। मुझे बुक देना, बुक दिखाना। एग्जाम्पल थ्री है बेटा, यहाँ पर भी तो देखना होगा। हाँ ये रहा, ये वाला क्वेश्चन वही, हाँ वही वही। तो देयर इज अ रेगुलर हेक्सागन एम एन ओ पी क्यू आर ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन है और इसका एक साइड बेटा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां तक तो समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके, सो अमन एंड रिधिमा डिवाइडेड इट इन टू डिफरेंट वे। अरुण और रिधिमा जो थी, अमन और रिधिमा, वो सोचती है ना कि इस हेक्सागन को हम दोनों ने अलग अलग तरीके से बांटा है। एक तो इन्हें वर्टिकली बांट दिया है और एक करा है, एक ने जिद कर दी, रिधिमा छुरी थी ना, जिद कर दी उसने कि हम इसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली बांटेंगे। अब हॉरिजॉन्टली बांटेंगे तो उसने दो पार्ट में बांटा, और ये जो था इसने दिमाग लगा दिया, लड़का था तो इसने आधा आधा करके बांट दिया। देखिएगा तो रिधिमा का मेथड आपको पहले दिख रहा होगा और उसके बाद ये जो मेथड है शायद अमन अमन भाई का, एक सेकंड। सबसे पहले एरिया ऑफ हेक्सागन निकालना है, ठीक है, और एरिया ऑफ हेक्सागन पहले रिधिमा के तरीके से निकालना है। यहां दिखेगा, उसमें नहीं दिखेगा, यहां देखिए, वो चीज नहीं है ना, सॉल्यूशन नहीं होगा। रिधिमा ने इसको हॉरिजेंटली बांटा है, ठीक है, तो एक ऊपर ट्राइंगल बेटा, एक नीचे ट्राइंगल और एक बीच में क्या मिल गया हमको, रेक्टेंगल, ठीक है। मुंह क्यों खोल रही, मक्खी घुसेगी, बंद कर। तो एरिया ऑफ हेक्सागन में एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, कर देंगे उसी तरह से। हाँ तो करो बेटे, टेस्ट लेंगे ना सबके, है ना, बुखार लगने वाला है इस बार। मैं चाहता भी नहीं किसी को बुखार लगे, बुखार लगेगा तो क्लास में कौन आएगा। तो पहले हमने इसके लिए क्या किया, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, अभी सीख लो ये क्वेश्चन, लास्ट सीख लो। पहले हमने क्या किया कि इसमें जो ऊपर वाला ट्राइंगल था ना रिधिमा के पैटर्न पे, तो ये ट्राइंगल ऊपर लिया, एम एन ओ ट्राइंगल, ठीक है। और ट्राइंगल का जो आपको पता ही है, अगर निकालना हो तो बेस है एम ओ, इसकी जो कहां मर गया भाई, ओ एम इसका 250 मीटर, एंड फॉर हाइट, हाइट प्लस 5 प्लस हाइट इज इक्वल टू 11। क्या है, कौन सा है, कैसा वाला है, ये रिधिमा वाला ही निकाल रहे ना, एक मिनट रुकना। हाँ मैंने क्या नाच के बोला, मैंने भी तो यही ना बोला कि दो ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, एक हेक्सागन को हॉरिजॉन्टली बांटेंगे तो ऊपर एक ट्राइंगल, एक नीचे ट्राइंगल और बीच में रेक्टेंगल, क्योंकि उसके पास दिमाग कम था ना वो हैं। अरे इनको उसी तरह समझाने दो ना, इसमें कंडीशन दी है कि उसने बांटा ही इस तरह से। हाँ अब तेरी जैसी होगी कोई, अब देख। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन ओ, अगर आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो ट्राइंगल ऑफ एरिया का फॉर्मूला क्या लिखवाया था आप लोग को, एरिया एरिया, थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है कभी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तू भी देख रहा है ना, वो टोके मेरे को, थ्री इंटू साइड, बोल बेटा, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पर जो बेस था बेटा वो 8 सेंटीमीटर और हाइट थी 3 सेंटीमीटर, हमने ले ली. तो 8 इंटू 3 कर दिया तो हमारा जो एरिया ऊपर वाले ट्राइंगल का है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नीचे वाले का भी उतना ही आएगा. अब हम क्या करेंगे, आदरणीय रेक्टेंगल भैया को लेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता ही है क्या होगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो बेटा लेंथ इसका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब दिक्कत ये है कि हेक्सागन में दो ट्राइंगल है, तो एक का अगर बेटा हमने निकाला है कितना निकाला था, मैं तो बोलूं 12, तो 12 इनटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने जो रेक्टेंगल का निकाला है 40, तो 40 और प्लस 24, काम खत्म. तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 प्लस 40 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. आगे देखते हैं. बहन थोड़ा प्लीज कॉपरेट करिए, काम की बात बाहर बेटा, व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा. मैंने वो आई है इसीलिए तुमको जाने का मन करने लगा, ऐसा तो नहीं है ना, रुक जाओ. वैसे सिक्स क्लास में लग रहा है तुम ही बैठी हो, सब निकल गए. एक मिनट बेटा.